लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, आज समीक्षा बैठक करेंगे सीएम योगी। तो कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, फील्ड के अफसरों के साथ सीएम योगी करेंगे चर्चा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे आला अधिकारी, आगामी त्योहारों की तैयारी पर होगा मंथन। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, लखनऊ से सीएम योगी करेंगे समीक्षा बैठक, यूपी की कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे सीएम योगी, फील्ड के अफसरों के साथ सीएम योगी करेंगे चर्चा। आलोक पांडे हमारे साथ सहयोगी जुड़ चुके हैं। आलोक, जाहिर तौर पर कानून व्यवस्था और समीक्षा करेंगे सीएम और फील्ड के अफसरों से, हालांकि रूबरू होंगे जाहिर तौर पर, त्योहारी सीजन और ऐसे में क्या कुछ खास? आवाज आ रही है आपको आलोक? तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, लखनऊ से जिस तरीके से कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे सीएम, फील्ड के अफसरों से जुड़ेंगे सीएम योगी। हालांकि कावड़ मेला और इसके अलावा बकरीद का त्यौहार, जाहिर तौर पर कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहे, हालांकि इसे लेकर पहले ही निर्देशित किया गया है तमाम जिलों के डीएम और पुलिस अधीक्षक लगातार सभी धर्मगुरुओं से बातचीत कर रहे हैं। वहीं जिस तरीके से कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहे, गुंडों बदमाशों के लिए लगातार पुलिस काम कर रही है और दूसरी ओर जिला प्रशासन लगातार कुर्की की कार्रवाई में जुटा है, तो ऐसे में क्या कुछ आगे की रणनीति? तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत, कानून व्यवस्था को लेकर बातचीत होगी, अधिकारी बताएंगे जिस तरीके से समीक्षा बैठक ये, और फील्ड के अफसर जो हालांकि लगातार फील्ड में काम कर रहे हैं, समीक्षा की जा रही है उनके कामों की भी, और किस तरीके से कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहे, नकेल कसी जाए माफिया गैंगस्टर गुंडों पर बदमाशों पर, इसे लेकर भी निर्देशित करती नजर आएंगी सीएम योगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर, आलोक हमारे साथ जुड़े हुए सहयोगी लखनऊ से। आलोक, कानून व्यवस्था को लेकर एक बड़ी बैठक, समीक्षा बैठक ये, और जाहिर तौर पर जिस तरीके से फील्ड के अफसरों से जुड़ेंगे सीएम, क्योंकि उन्हीं के ऊपर पूरा दारोमदार कानून व्यवस्था को लेकर, तो ऐसे में क्या कुछ खास? बिल्कुल, देखिए राहुल, सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था को लेकर बेहद गंभीर रहते हैं और ये जो बैठक है उसी गंभीरता का एक नतीजा है कि वो समय समय पर कानून व्यवस्था को लेकर के बैठक करते हैं और ख़ासतौर पर अधिकारियों का समय ना खराब हो, उनको जिले से राजधानी लखनऊ ना आना पड़े, इसलिए वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो जिलों के अधिकारी हैं, जो रेंज के अधिकारी हैं, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। यहाँ से उनके साथ प्रमुख सचिव गृह रहेंगे, डीजीपी रहेंगे, स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर रहेंगे, ये जो आला अधिकारी हैं वो मुख्यमंत्री के साथ, इन आला अधिकारियों के साथ डीएम कप्तान इन सभी लोगों के साथ बैठक करेंगे। और सबसे अहम चीज़ है, न सिर्फ कानून व्यवस्था की एक समीक्षा बैठक होती है, उसे अपडेट करने के लिए बात की जाती है, बल्कि जैसे आने वाले दिनों में बकरीद आ रहा है तो इसको लेकर के किस तरीके से पुलिसिंग करनी है, किस तरह से पेट्रोलिंग करनी है, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि त्योहारों का इस मौसम में देखते हुए छुट्टियाँ भी रद्द कर दी गई हैं, तो जो फील्ड के चाहे अधिकारी हो या फिर सिपाही और दूसरे रैंक के लोग हों, उनको किस तरीके से ऐसे माहौल में काम करना है, किस तरह के इंस्ट्रक्शन है, और ख़ासतौर पर जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस तरह की बैठक ले रहे हों तो इंस्ट्रक्शंस बहुत साफ और क्लियर होता है, तो ये भी कहीं ना कहीं फील्ड में बहुत ही क्लियरिटी लेकर आता है कि कानून व्यवस्था को लेकर के कहीं किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। कानून व्यवस्था वैसे भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के, अगर हम पिछले 6 साल से ज़्यादा के शासनकाल को देखें तो अच्छी मानी गई है, हमेशा बेहतर माना गया है। ऐसे में मुख्यमंत्री समय समय पर बैठक करते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जिलों से लेकर के मंडल तक उन सब चीज़ों पर कार्रवाई होती है, और जहाँ तक बात बकरीद की है तो उसको लेकर के खास तौर पे इंस्ट्रक्शंस, चाहे वो डीजीपी हो या प्रमुख सचिव गृह हो और या फिर मुख्यमंत्री, अपनी तरफ से फीडबैक भी लेंगे। जी राहुल, जाहिर तौर पर एक सवाल आपसे ये है कि फील्ड के अफसर, यानी कि अगर देखा जाए एसपी एसएसपी ये उतरते हैं, एसीपी डीसीपी रैंक के अधिकारी, सीओ रैंक के अधिकारी और दारोमदार उस थाने का होता है, तो क्या ऐसे में कुछ दिशा निर्देश स्पेशल, हालांकि बकरीद का आप जिक्र कर रहे हैं और कहा जाए
सावन का ये महीना ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण। बिल्कुल राहुल, आने वाले समय में बकरीद, सावन और इस तरह के और भी कई क्या कहते त्यौहार रहेंगे। और जो सबसे बड़ी बात आप कह रहे हैं कि जो फील्ड के अफसर हैं, देखा जाए कानून व्यवस्था की असली जिम्मेदारी उन्हीं लोगों के पे होती है, उन्हीं के कंधों पे होती है, चाहे वो थाने का इंचार्ज हो या चौकी का इंचार्ज हो। और ऐसे में अगर उनके कप्तान को साफ साफ बातों में कहा गया हो या बताया जाए कि किसी भी तरीके की कोताही होनी नहीं चाहिए, लापरवाही नहीं होनी चाहिए, तो राहुल ऐसे में कहीं ना कहीं फील्ड पे काम करने में आसानी होती है। जब इंस्ट्रक्शंस क्लियर होते हैं तो आने वाला समय का जो भी समय हो, चाहे बकरीद की बात करें, चाहे त्योहारों की बात करें, चाहे सावन के महीने की बात करें, या आने वाले समय में और भी कई ऐसे व्यस्तता वाले कार्यक्रम हो सकते हैं, कई जगहों पे पॉलिटिकल हैपनिंग हो सकती है, इन सब को लेकर के ये जो बैठक है वो इंस्ट्रक्शंस देने का काम होता है, जहां आला अधिकारी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इन बैठकों की समीक्षा करते हैं, खुद अपने इंस्ट्रक्शंस को वो देते हैं। तो ये कहीं जिले के स्तर पे अधिकारियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होती है, जहां उन्हें साफ निर्देश शासन की तरफ से, सरकार की तरफ से दिया जाता है। धन्यवाद आलोक इस जानकारी के लिए। तो कानून व्यवस्था पर समीक्षा बैठक सीएम योगी करेंगे।